गिरिडीह में आजसू पार्टी की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव में आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी को मिली हार की समीक्षा के लिए इसरी बाजार स्थित 13 पंथी कोठी में पार्टी नेताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी सुप्रीमो सुदेश माथो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और देवशरण भगत समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। समीक्षा बैठक में गिरिडीह के साथ साथ बोकारो के पार्टी नेता भी शामिल हुए। समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि सरकारी तंत्र के कारण डुमरी उपचुनाव में आजसू प्रत्याशी की हार हुई है। धन्यवाद देती हूँ। आज मैं अपने प्रभारी और गांव प्रभारी, पंचायत प्रभारियों के साथ आज कुछ माह बीत गए, मैं आभार और धन्यवाद देने के लिए डुमरी की जनता को आया था कि जिन्होंने 83,000 से ज़्यादा का जनमत दिया, जिन्होंने मेहनत किया हमारे लिए इस गठबंधन के लिए। मैं उन सभी भाजपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आम जो भी सहयोगी रहे उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मैंने अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया, अब इसी के साथ आगे की तैयारी आप सभी लोग प्रारंभ करें, चूँकि जो जनादेश मिला है, जिस तरह से लोगों का रुझान संगठन के पक्ष में, अपने गठबंधन के पक्ष में आया है, इसको और मजबूती से आगे ले जाने का पहल प्रारंभ करना चाहिए। हमेशा हम लोग भी संपर्क में थे, मिलता रहा, चाहे केंद्रीय एजेंसी के द्वारा, राज्य के एजेंसी के द्वारा सूचना भी मिलती रही, और अंतिम समय में, वास्तव में जो अंतिम समय में सरकारी तंत्र का जो दुरुपयोग हुआ, इतना ही नहीं बल्कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को भी कार्यक्रम करने में कितना परेशानी का सामना करना पड़ा, लोगों के बीच में जाने के लिए कितना सरकारी तंत्र डिस्टर्ब किया, इसको भी हम लोग बहुत नजदीक से हम लोग